दाऊद इब्राहिम इस वक्त भी पाकिस्तान में है। मोदी सरकार आने के बाद चार बार अपने ठिकाने बदल चुका है। पाकिस्तान में दाऊद की सुरक्षा 50% बढ़ाई गई है। फोन पर रिश्तेदारों से बात नहीं करता है दाऊद इब्राहिम। अफ्रीका में काले धंधे बढ़ा रहा है दाऊद इब्राहिम। लैटिन अमेरिका के ड्रग माफियाओं के साथ वो संपर्क में है। ये अहम खुलासे किए हैं इकबाल कास्कर ने। और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं अपने संवाददाताओं का। हमारे साथ राकेश त्रिवेदी हैं। राकेश, ये जो चार ठिकाने बदलने की बात कही गई है, इसके बारे में और क्या जानकारी, और ड्रग्स और एक्सटॉर्शन रैकेट में किस तरह से वो शामिल रहा है, इसको लेकर क्या खुलासा? मीमांसा, जो देखिए, ये एक जॉइंट इंटरोगेशन था जिसमें थाने पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल के साथ साथ जो है आईबी के अधिकारी बैठे हुए थे। और इसमें हालांकि सबसे पहले तो जो है इकबाल कास्कर सहयोग नहीं कर रहा था। जब ज़्यादा उससे सवाल पूछे जाते हैं तो वो यही कहता है कि बात काफ़ी पुरानी है, मुझे याद नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत पुरानी बातें मैं नहीं बता सकता। और ज़्यादा उसके ऊपर जब भी कुछ सवाल दागे जाते थे तो वो यही बहाने बना रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उससे चक्कर आ गए हैं और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ते जा रहा है, उससे दवाई लेनी है। लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ खुलासे में कुछ एविडेंस हासिल करने में जो इंटेलिजेंस एजेंसी को कामयाबी मिली, और उसमें सबसे बड़ा खुलासा यही था कि चार अलग अलग जो ठिकाने थे उसमें से एक जो ठिकाना था वो किस तरीके से क्लिफ्टन हाउस से जो है उसका जो आशियाना है वो बदल करके उगी के पास जो एक पहाड़ी इलाके में एक क्षेत्र है, आइसोलेटेड एक खुफिया जगह है, वो सेफ हाउस जिसे कहा जाता है, वहां पर उसे शिफ्ट किया गया था। और बाकी जो जगह है उसके बारे में उसने जो है अभी तक तफ्तीश से जो जानकारी है वो नहीं दी है। लेकिन यह जरूर बताया कि वो एक साल से ज्यादा जो है किसी भी ठिकाने पर नहीं रहा दाऊद पाकिस्तान में, और पिछले तीन सालों में खासतौर से जुलाई 2014 के बाद से लेकर के अब तक वो चार ठिकाने बदल चुका है। इतना ही नहीं, उसने ये भी दावा किया है कि पिछले दो साल से, तकरीबन दो से ढाई साल से उसकी सीधे तौर पर दाऊद से बातचीत नहीं हो पाई है। जी जी, वो लगातार सिर्फ दाऊद इब्राहिम कास्कर के भाई अनिस इब्राहिम से ही बातचीत कर पाया। जी राकेश, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एस बालाकृष्णन इस वक्त जुड़े हुए हैं। बालाकृष्णन जी, अब ये जो अहम खुलासा इकबाल कास्कर ने किया, इस बात पर मुहर लगा दी है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही मौजूद है। आपको लगता है अब जो दबाव है वो पाकिस्तान पर अब बढ़ जाएगा इस खुलासे के बाद? देखिए, ये जो खुलासा जो इकबाल ने जो किया वो कुछ नई बात ने बता रहा है जो हमारी सरकार को पता ही था और पूरे दुनिया को जानता था, पता है कि दाऊद कहाँ पे रहता है, पाकिस्तान में उसका एड्रेस भी है, लोगों ने उससे बात भी किया है, बात को रिकॉर्ड भी किया है और ऑडियो विजुअल का प्रूफ है, सब कुछ है। तो और ये जो इकबाल कह रहा है वो कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन करके नहीं है, लेकिन पुष्टिकरण हो रहा है जितने हमारे डोजियर ने दिया है, हमारे हुकूमत ने, पाकिस्तान की हुकूमत को, और डोजियर को ये कंफर्म कर रहा है कि पाकिस्तान वही है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। और जो पाकिस्तान जो हमेशा देने का तैयारी है कि दाऊद वहां पे नहीं है, उसका टोटली उसको काउंटर कर रहा है। इकबाल का स्टेटमेंट जो है थाने पुलिस को दिया है उसको टोटली काउंटर कर रहा है। तो ये एक शिका मतलब जो है कंफर्मेशन एंडोर्समेंट हो गया है कि दाऊद वही भी है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो है और बढ़ सकता है। और हमारे सरकार का कैंपेन जो है यूनाइटेड नेशंस और दूसरे इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान में है भी तो भारत को सहयोग वो क्यों करेगा? तो जो ये एटीट्यूड है पाकिस्तान का, चोरी और ऊपर से सीना जोरी, आपको लगता है कि दिक्कत ये खड़ी करेगा? क्योंकि कोशिशें की जा रही है कि दाऊद इब्राहिम को भारत में लेकर आया जाए और सरकार की ओर से बात कही भी गई है। मैंने कुछ साल पहले जब भी मैं छोटा शकील जी शकील से बात कर रहा था, उसने क्या कहा, बहुत ही एक अहम स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि दाऊद कोई हलवा नहीं है तो कोई उसको आके ले जाए। तो ये और दूसरी बात क्या है कि दाऊद न सिर्फ एक टेररिस्ट है लेकिन आईएसआई के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस एसेट है, और किसी भी हालत में वो हमारी सरकार को एक्सटेंडेड हमारी हिरासत में किसी बारे में नहीं देंगे। वो चाहेंगे कि उसको वही खत्म करेंगे, वही किधर दफना देंगे ताकि उसका प्रूफ नहीं रहेगा और कहेगा चलिए बात उसने एंडोर्स तो की है और पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।